भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप अपने आप को स्वयं भगवान घोषित किया हुआ था। वो ये मानते थे कि उनके सिवा कोई भगवान नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने राज्य में एक घोषणा करा रखी थी कि भगवान की जगह उन्हीं की पूजा की जाए, उन्हीं को सब कुछ अर्पण किया जाए। लेकिन भक्त प्रहलाद विष्णु के भक्त थे, वो बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने भक्त प्रहलाद को परीक्षा लेने के लिए और उसको जान से मारने के लिए कई प्रयास किए, उसको पहाड़ से गिराया, समुद्र में फेंका और अंत में जब वो किसी प्रकार से भक्त प्रहलाद को ना मार सका तो उसकी बहन होलिका ने उसको कहा कि मुझे ये वरदान प्राप्त है कि मैं अगर इसको आग में लेकर बैठूंगी तो ये जलकर खाक हो जाएगा और मुझे उस पर कोई उसका असर नहीं होगा। लेकिन प्रभु की कृपा से भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई और होलिका जलकर मरी। तभी से जो है होलिका दहन करते हैं और होली का त्यौहार मनाया जाता है। दूसरी ओर लोग प्रचलित मत के इस समय जो है फसल पककर तैयार हो जाती है और नवान्न आता है, उसका भी जो है उसमें होली को अर्पण करते हैं। होलाष्टक में जिस समय होलाष्टक प्रारंभ होते हैं, यानी कि होली जिस दिन है उससे 8 दिन पहले से होलाष्टक माना जाता है, तो पहले दिन होलाष्टक के होली की स्थापना कर दी जाती है किसी चौराहे पर। वहाँ पर लोग लकड़ियाँ उपले आदि करके होली का भी स्थापना कर देते हैं। होलिका दहन पूर्णिमा के दिन किया जाता है, उस दिन भद्रा है, सवेरे 8:58 से लगाकर शाम को 7:40 तक है, तो होलिका दहन शाम को 7:40 के बाद ही होगा। होली के अवसर पर तो होलाष्टक यानी 8वां दिन यानी 23 फरवरी से लगा के 1 मार्च तक का जो समय है वो साधना के लिए बहुत ही उत्तम माना गया और इस बीच में मंत्र अनुष्ठान करने से मंत्र में जो है सिद्धि मिलती है और साधक को साधना में सफलता मिलती है। होलिका दहन के अगले दिन धूली वंदन अर्थात धुलेंडी, उस दिन जो है रंग खेला जाता है और ब्रजमंडल में तो विशेष रूप से ये वसंत उत्सव होलाष्टक के समय से शुरू हो जाता है और वहाँ विशेष रूप से इसका बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। वहाँ की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है और वैसे धूली वंदन के दिन सभी लोग जो है रंग से और जो गुलाल से होली खेलते हैं और उसके बाद अपने आप एक दूसरे को मिष्ठान वगैरह खिलाते हैं, एक दूसरे को स्नेह का प्रदर्शन करते हैं। लोकमत के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभाशीर्वाद। होली उनके जीवन में रंगों का त्यौहार है, उनके जीवन में खुशियों के रंग बिखरे और उनके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो, मैं ये कामना करता हूँ। ओम।